साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय कथाकार एवं समाज सुधारक परम पूज्य आचार्य मनोज अवस्थी जी महाराज के द्वारा श्री राम कथा। आचार्य श्री परम पूज्य श्री आचार्य स्वामी भगवतानंद जी महाराज के वरद कृपा पात्र शिष्य हैं और पूज्य आचार्य जी के मुख से अभी तक 780 कथाओं का वाचन हो चुका है। आइए श्रवण करें महाराज श्री के श्रीमुख से श्री राम कथा का। भावी हूँ मेटी सकही त्रिपुरारी, शंकर भगवान भावी मेट सकते हैं और अगर ये सत्य है तो मैं पहले स्नान करके शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं। भरत ही कहा मनाही महेशु, कुशल अवध प्रिय सुंदर देशु। शंकर जी के चरणों में प्रार्थना की, शंकर भगवान के चरणों में निवेदन किया, बाबा मैं अवध जा रहा हूं और मेरी प्रार्थना है कि मुझे अवध में कुशल मिलनी चाहिए। इतनी सी बात कहकर के भरत जी चल दिए और जब भरत जी चल दिए और अवध में प्रवेश किया तो बाहर से ही लग रहा है इत पितु बध उत बंधु सकोचु। पिताजी का मरना, भाई का बनगमन, एक भी कुशल नहीं। भरत जी सीधे गुरुदेव भगवान के कक्ष में गए, गुरुदेव के चरणों में माथा रख कर के कहा, गुरुदेव मैं भरत आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं और मैं ये पूछने नहीं आया कि भैया अवध को छोड़कर क्यों चले गए, पिताश्री प्राण क्यों छोड़ दिए, अवध की घटना के पीछे राज क्या है, अवध की घटना के पीछे कौन सी ताकत है। गुरुदेव मैं तो एक छोटा सा प्रश्न लेकर पहुंचा हूं आपके सामने। गुरुदेव क्या शंकर भगवान भाभी नहीं मेट सकते? बिल्कुल मेट सकते हैं, तो फिर शंकर भगवान ने भाभी क्यों नहीं मेटी? बस हम तो इतना सा जानना चाहते हैं। गुरुदेव शंकर भगवान के बारे में ये जो प्रचार मैंने सुना है, भाभी मेट सकें त्रिपुरारी, तो आज शंकर जी भाभी नहीं मेट पाए, हम इतना जानना चाहते कि क्यों? तो गुरुदेव वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ज्ञानी महात्मा का हृदय भराया, आंखों में आंसू भराए और कहा, भरत सोने हूं भरत भाभी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विहार। भरत ये छह बातें आदमी के हाथ में नहीं है। देखो कोई आपको दुनिया में दावा करे कि हम भगवान हैं तो आप कभी मत मानना, और कोई कहे कि हम इंसान हैं आप कभी मत मानना। छह बातों का प्रैक्टिकल करना, बस इंसान में भगवान में यही अंतर है। अगर छह चीजें उसके हाथ में हो तो समझ लेना ये भगवान है, और छह बातें उसके हाथ में ना हो तो वो कितने भी प्रमाण दे समझ लेना ये इंसान है। कौन कौन? हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ, ये तो विधाता के हाथ में। भरत जी ने कहा, गुरुदेव क्षमा करना, हमारी बात का उत्तर नहीं मिला। क्यों उत्तर क्यों नहीं मिला? भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूं और आप बात को घुमा के कह रहे हैं।
मैं तो सीधी पूछ रहा हूं, शंकर जी भाभी मेट सकते हैं कि नहीं? और आप दूसरी बात कह रहे हैं, गुरु जी ने कहा तो मैं उत्तर दे रहा हूं ना। भरत जी ने कहा यह उत्तर तो नहीं हुआ, शंकर जी भाभी मेट सकते हैं कि नहीं, हमें तो यह उत्तर चाहिए। गुरु जी ने कहा कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम समझते नहीं हो, बार बार वही बात कर रहे हो, शंकर जी भाभी मेट सकते, शंकर जी भाभी मेट सकते। अरे शंकर जी अपने घर की भाभी नहीं मेट पाए, तुम्हारी मेट देंगे। तो शंकर जी के घर में भी भाभी आई, बोले हां। कब? विविध भांति शंकर समुझावा, भाभी बसन ज्ञान उर आ। उन्होंने तो सती माता को बहुत समझाया, लेकिन क्या वो मानी? तो फिर शंकर जी ने सरेंडर कर दिया। कब? हरि इच्छा भावी बलवान, हृदय विचारत संभूतया। ये हरि इच्छा भावी बलवान, ये प्रबल भावी है। भरत जी ने कहा गुरुदेव क्षमा करना, हमारे समझ में नहीं आया, बेवर वालों के भी समझ में अभी नहीं आया, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं समझा के ही मानूंगा। आप केवल सुनते जाइए शब्दों को, कैसे समझ में आएगा, हमारे पास सब तरकीब है, समझाएंगे। गुरु जी ने कहा भरत जी दरअसल में भाभी दो प्रकार की होती है। अब अगर आपके पास कलम पेन हो तो थोड़ा रिटिन, आप रिटिन वर्क थोड़ा सा कर लीजिए, लिखा पढ़ी आप कर लेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो बिल्कुल साफ उत्तर चाहते हैं वो थोड़ी लिखा पढ़ी कर लें, हम उनको गणित से ही समझा देंगे। सुनिए सुनिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा पक्का। गुरु जी ने कहा भरत जी भाभी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी लिख लीजिए दोनों। ईस जन्य भावी, प्रारब्ध जन्य भावी, ये दो होते हैं भावी के प्रकार। भावी नंबर एक प्रारब्ध जन्य भावी, भावी नंबर दो ईस जन्य भावी। हेडिंग नंबर एक प्रारब्ध जन्य भावी किसको कहते हैं? प्रारब्ध जन्य भावी उसका नाम है जो ब्रह्मा के द्वारा पेंसिल से लिखी जाती है। गौर से समझते जाना, ब्रह्मा के द्वारा व्यक्ति के प्रारब्ध में पेंसिल से लिखी जाती है। पेंसिल से लिखने का मतलब कोई ना कोई रबड़ चलाकर उसे मिटाया भी जा सकता है। यह ब्रह्मा के द्वारा लिखी हुई भावी है जो कर्म के आधार पर मानव के भाग्य रूपी कागज में पेंसिल के द्वारा लिखी जाती है, जिसमें परिवर्तन संभव है। किसके द्वारा परिवर्तन होगा? मंत्र महामणि विषय विषय के मेटत कठिन कुअंक। यदि मंत्र का जप किया जाए, परमात्मा की शरणागति ले ली जाए, तो वो लिखी हुई भावी को मेटा जा सकता है। और एक ईस जन्य भावी है। ईस जन्य भावी कौन है? बोले वो परमात्मा के संकल्प से चलती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए बस भरत जी अगर अवध में तुम्हारे पिताजी का मरना, राम का बन जाना अगर ब्रह्मा के हाथ से लिखा होता तो ब्रह्मा की कलम पकड़ के हम उनके पुत्र हैं, हम उसमें मेट कर कुछ और लिख देते। लेकिन हमारे जैसे गुरुदेव चुपचाप होकर के देखते रहे। क्यों? बोले ब्रह्मा का लिखा होता तो हम मेट सकते थे, लेकिन हम तो तब मजबूर हो गए जब हमने देखा कि राम जी की इच्छा से ही हो रहा है, तो हमने भी सरेंडर कर दिया। क्योंकि तुम्हारे घर में जो हुआ है वो ब्रह्मा जी के लिखे से नहीं हुआ, ये तो राम जी की इच्छा से हुआ है। और जब परमात्मा की इच्छा से होता है तो उसमें कोई किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। गुरु जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपकी बात से संतुष्ट हो गए। भरत जी समझ गए कि ये राम कीन चाहे सोई होई, कर ही अन्यथा अस नहीं कोई, ये तो राम जी की इच्छा से ही हुआ है। आहा हा, भरत जी चल दिए। कहां गए? कैकेयी माता के महल के सामने।
एक ऐसी महिला का चरित्र देखो जिसके पति की लाश रखी है, जिसके पति के लाश को कोई जलाने वाला नहीं है। ओहो हो, एक ऐसी महिला का चरित्र जिसकी चूड़ियां तोड़ दी गई हैं, जिसका श्रृंगार पोछ दिया गया है, विधवा हो चुकी है, जिसके जीवन में रोने के सिवा, अंधेरे के सिवा उजाला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और आज उस महिला का साहस तो देखो, उसने देखा कि भरत जी आए तो आरती की थाली लेकर दरवाजे पे खड़ी है और भरत जी से कह रही है, तात बात मैं सकल सवारी, तात बात मैं सकल सवारी। अब ये चौपाई रामायण में ही लिखी है और आप ऐसे ही पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा, नहीं नहीं फिर आप सोचेंगे कि हमें आपने बुलाया क्यों, रामायण तो हमारे आपके घर में रखी है, चौपाई तो आप पढ़ सकते हो, देखो आपने हमें क्यों बुलाया उसका मतलब भी तो समझो। ये चौपाई ऐसे नहीं पढ़ी जाएगी, लिखी तो ऐसे ही है जैसे हम सुना रहे हैं, तात बात में सकल सवारी, तो इतनी छोटी सी बात पे भरत को गुस्सा आ जाएगा ना, तो फिर और कुछ कहा, और उसने कुछ नहीं कहा तो फिर गुस्सा क्यों आया, उसके बात करने का ढंग अच्छा नहीं था, कहा तो यही लेकिन ढंग अच्छा नहीं था, अब हम कह दें तब आपको भी बुरी लग जाएगी। देखो मेरी तरफ, कैकेयी ने भरत से कैसे कहा, भरत जी खेल लो हमें ही न करो, मतलब उसके दिमाग में ये था कि भरत जी धीरे से हमारे कान में कहेंगे कि अम्मा बढ़िया गणित चला तुमने, ठीक है रात दो चार दिन रोए लो फिर तो ठीक है, ये सब बस फिर तो सब अपना ही है ना। वो इस भाव से कह रही थी, तात बात में सकल समारी, हमें ही ने किया हमारे ही सब है चाल, हमी ने सब खेल हो कर दिया, ऐसे कह रही थी। अच्छा भरत जी वो समझ रही थी भरत जी प्रसन्न हो जाएंगे, अच्छा उसने एक और नई बात इसमें जोड़ दी, तात बात में सकल सवारी और भाई मंथरा सहाय बिचारी। अच्छा ये मंथरा का नाम क्यों ले दिया, इसलिए लिया कि मंथरा ने नौकरी दांव पे लगाई तो होम मिनिस्ट्री इसे ही को देना, मतलब नौकरी दांव पे लगाई ऐसे थोड़ी तख्ता पलट हुआ, मंथरा ही ने तो पूरा खेल किया, तो इसका मतलब ख्याल रखना कि होम मिनिस्ट्री इसी को देना, ये उसके कहने का भाव था। तात बात में सकल समारी भाई मंथरा सहाय बिचारी। अच्छा भरत जी को गुस्सा भीतर से क्यों आया, भरत जी ने कहा कि एक काम तो बहुत अच्छा रहा, इतने काम के लिए हमको सीबीआई लगानी पड़ती, बिना सीबी सीआईडी के तो दोनों चोर पकड़ में नहीं आते, और ये तो इतना बढ़िया काम रहा कि फ्री में दोनों चोर, और अपने आप ही कह रहे हैं, ये भी नहीं कि हमें कहने की जरूरत हो, चोर भी पकड़ में आ गए और अपने मुंह से स्वीकार भी कर रहे हैं। अब तो महाराज ठाकुर की गुस्सा आ गई महाराज, और जो उन्होंने कहा बड़ा समझने वाली बात, श्री री मैया तैने काठाने मन में राम सिया भेजी तेरी बन में, री मैया तूने काठाने मन में राम सिया भेजी तेरी बन में, राम सिया भेजी तेरी बन में, रिहटली तूने काठाने राम सिया भेजी तेरी बन में, राम सिया भेजी तेरी बन में, जय हो श्री ठाकुर जी।
गए रीवन में परमागत कोई भयउ न पीरा भई दिनकर कुल कंठ कुठारी जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाए। तुझे मेरी माँ बनना था, परमात्मा ने तुझे मेरी माँ क्यों बनाया? विधाता ने मेरी माँ तुझे क्यों बनाया? तुझे तो मेरी माता ही नहीं बनाना चाहिए। जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाव। तेरे कीड़े पलना चाहिए, तेरी जुबान कट करके क्यों नहीं गिरी? चली जा मेरी आंख के सामने से, मैं भूल जाऊंगा तू मेरी माँ है। कैकेयी माता ने कपाट बंद कर लिए,
और कपाट बंद करके कैकेयी माता आंखों में आंसू भर लिए। और आज मैंने कैकेयी माता का वो चरित्र देखा, उस चरित्र को समझा, जिसमें कैकेयी माता के पति रात भर तड़पते रहे, एक बार उसके आंसू नहीं गिरा। दशरथ जी का प्राण निकल गया और वो नहीं रोई। राम जी बन चले गए, वो नहीं रोई। चूड़ियां तोड़ दी गईं, उसके एक आंसू नहीं गिरा। और आज जब भरत जी ने डांटा तो आंखों में आंसू भर लिए और आज वो कपाट बंद करके अंदर चली गई। और जैसे ही भरत जी महाराज ने डांटा तो आंखों में आंसू भरे हैं। और उसने जो कहा वो ऐतिहासिक फैसला है, समझने वाली बात है। कहा क्या? तेरे कारण वैधव्य लिया मैंने उजाड़ सिंदूर दिया, तेरे कारण वैधव्य लिया मैंने उजाड़ सिंदूर दिया, मैं तेरी वजह से विधवा हो गई, मैंने सिंदूर पोछ दिया। क्यों? मेरा केवल इतना लालच था कि मेरा बेटा अवध का राजा बनेगा, और तू कह रहा है कि मैं तेरी कोई नहीं हूं, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। भरत, मैंने तुझे जन्म तो दिया लेकिन मैं तुझे आज तक समझ नहीं पाई, आज समझ गई। मैंने तो सांप को दूध पिलाया है, तू तो मेरा बेटा होने लायक ही नहीं है। भरत, तुझसे अच्छा तो मेरा वही बेटा था जिसको मैं पहचान नहीं पाई, मैंने 14 साल के लिए घर से निकाल दिया, मुझसे गलती हो गई। भरत, तू अच्छा नहीं है, मेरा वो बेटा बहुत अच्छा था, मैंने उसको 14 साल के लिए घर से निकाल दिया, लेकिन एक अपशब्द नहीं बोला, मेरे पांव छुए और मुझसे कहा मैया मैं 14 साल बाद आऊंगा। भरत, तू अच्छा नहीं है, मेरा वो बेटा बहुत अच्छा था। ऐसा कहकर के कैकेयी माता रोने लगी। और जब कैकेयी माता के आंसू गिर रहे थे, वो रो रही थी, तो भरत जी दरवाजे पर खड़े खड़े हंस रहे थे। शत्रुघ्न जी ने कहा, बड़े भैया, माता रो रही है, आप हंस रहे हैं, ये नाटक समझ में नहीं आ रहा। भरत ने कहा, शत्रुघ्न, ऑपरेशन कामयाब हो गया। मैं समझा नहीं, ऑपरेशन कामयाब हो गया? भैया, मैं फिर भी नहीं समझा। अरे शत्रुघ्न, तुम नहीं समझोगे, माता का दिल दुखाना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था, लेकिन माता को जो मैंने अपशब्द बोले, बस मैं यही चाहता था कि माता तुम्हें भरत अच्छे लगे, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हें तो राम जी अच्छे लगे, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तो हमारा उद्देश्य माता को गलत कहना नहीं था, हमारा तो उद्देश्य यही था कि माता तुम्हें भरत अच्छे लगे, इसमें कल्याण नहीं है, तुम्हें तो राम जी अच्छे लगे, इसी में तुम्हारा हित है। इसलिए भरत जी साधु हैं, क्योंकि साधु की यही नैतिक जिम्मेदारी है, एन केन प्रकारेण डांट के दपट के भगवान की तरफ लगा दे और संसार की ममता से हटा दे, यही तो साधु है। इसलिए भरत जी साधु हैं, कोई उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। गरि न गयो जी परे हूं नकीरा, बरमागत तो ही भय नकीरा। तात भरत तुम सब विध साधु, सब विध साधु। श्री भरत जी सब प्रकार से साधु हैं। अब कैकेयी माता को तो अंदर रोने दो, दूसरी भी घटना सुनो। ते ही अवसर कुबरी तहां आई। कुबरी मंथरा को किसी ने सूचना दे दी कि भरत जी आ गए और तुम पहले ही नंबर मिल लो, फाइल पहले ही दे दो, नहीं होम मिनिस्ट्री का फार्म तुम्हारा कैंसिल हो जाए, जल्दी मिलो। तो वो कुबरी मंथरा आ गई। अच्छा, केवल आई नहीं,
तेही अवसर कुबरी तहां आई, बसन विभूषण रुचिर बनाई। कान में बाला झाला ताला ब्रजबाला, ऐसे ड्रामा करे महाराज, इतना सिंगार करे, ऐसे मुंह में वो करे पलस्तर, ऐसे पाउडर पाउडर लिटिस पिटिस किए, पूरा ड्रामा बनाए। देखो टेढ़ी मंथरा, तेही अवसर, गोस्वामी जी लिखते हैं, कुबरी तहां आई, बसन विभूषण रुचिर बनाई। अच्छा, ये इतने सिंगार करके क्यों आई, इतने इतने ये ताला झाला पहनने की जरूरत क्या थी? अच्छा, इसका मतलब समझे, ये भरत जी को चिढ़ाने आई है क्या? माने भरत जी से कह रही है कि देखो तुम्हारी अम्मा का उतरवाई दिया, हम देखो पहने फिर नहीं, यही तो हैं बुरे लोग, यही तो समझो। भरत जी को समझाए रही कि देखो तुम्हारी अम्मा जिंदगी में पहन नहीं पाएगी, वो हमें ही उतरवाई दिया, और देखो हम पहने फिर नहीं, ये इसका उद्देश्य है। भीतर से इसके मन में यही आ रहा है ना। और जैसे ही मंथरा आई है ठाकुर की, गुस्सा कहे को सहन होगी, शत्रुघ्न जी को आ गई गुस्सा, तो हुम की लात तक कुबरी मारा, हुम की लात तक कुबरी मारा, पर वो भरी गर कर दिखुकारा, हुमक समझते कि नहीं, जैसे कभी कभी ढोलक बजती है ना उसमें हुमक, ऐसी आवाज आती है हुमक। तो इसी तरह लक्ष्मण शत्रुघ्न जी ने हल्के में लात नहीं मारी, हुमक लात तक ही कुबर मारा, कुबर ही में मारी, मुंह के भल गिरी, और जैसी गिरी तो शत्रुघ्न जी ने पकड़ा उसकी चोटी को, लगे घसी टन भारी भारी छोटी, लगे घसी टन भारी भारी छोटी, चोटी पकड़ के उसको घसीटना शुरू किया। अब भरत जी पीछे से दौड़े, रुको 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 रुको, अरे रुको रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? शत्रुघ्न जी बोले कुछ नहीं कर रहे, होम मिनिस्ट्री का फार्म भरवा रहे, आज के बाद अगर सीधी ना हो जाए हमारी जिम्मेदारी, ये टेढ़ी नहीं है, आज सीधी हो जाएगी आज, है? ये काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, इनका इलाज ये थोड़ा ही है, जो एक ही में सीधी हो जाएगी साहब। एक आदमी हमसे कह रहा था, महाराज सब मंत्र आप बताते हो, और जैसे कोई शराब पिए हो तो कोई मंत्र है कि उतर जाए? मैंने कहा मंत्र है, हर मंत्र है, तो शराबी कैसे उतर जाएगी? मैंने कहा बिल्कुल उतर जाएगी, एक धेला भर नहीं रहेगी, मंत्र है, लेकिन मंत्र जपना नहीं है, प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक ही मंत्र प्रयोग कर दो आप, लात जूता कमर मध्य चनकटम मुख भंजनम धना गदा गदम, जो ही दस पांच परी सोई कहने लगेगा चच्चा है चीन है पहचान लो हाल, राइट टाइम बोलेगा, और परेंगी नहीं तब तक वो जाने काका बकेगा, और दस पांच उसको पड़ गई सोई बिल्कुल शुद्ध बोलेगा एकदम, हाल पहचान लेगा महाराज, उसके इलाज ही यही है ना। साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।